बांध परियोजना का जगह जगह हो रहा है विरोध। आज परसोरा पंचायत में लोग बाग बैठे हैं। सिलवानी विधानसभा में आधी से ज्यादा डूब में आ रही है, इसकी चिंता को लेकर के लोग बाग बहुत चिंतित हैं। लोग बाग कह रहे हैं कि हमें सेल्फास दे दो, हम सेल्फास खा के आत्महत्या कर देंगे। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हम जल समाधि ले लेंगे। आखिर सरकार समझती क्यों नहीं है इन सब चीजों को? सरकार बड़ी है कि जनता बड़ी है? जब जनता जागरूक हो जाती है तो सरकार के तख्त जैसी चीजों को बदल डालती है। तो आइए हम दिखाते हैं एक रिपोर्ट जहां पर बैठे हुए हैं परसोरा में, सलैया में और सुमेर में। और सबसे बड़ी बात है ये है कि यहाँ की महिलाएं भी अब इस मैदाने जंग में, विरोध में, बिना परियोजना के में कूद चुकी हैं। देखिए एक रिपोर्ट नेताजी लपेटे में। सेल्फास खाकर मरने की चेतावनी दे रहे हैं किसान। परियोजना रद्द नहीं की तो वोट नहीं। महिलाएं भी कर रही हैं वोट का बहिष्कार। बिना परियोजना रद्द कराने के लिए एक सूत्रीय मांग को लेकर आज से डूब प्रभावित ग्रामों में क्रमिक धरना आंदोलन शुरू हो चुका है। प्रभावित गांव के किसानों ने अपने अपने गांव में धरना प्रारंभ कर दिया है। बिना परियोजना प्रभावित किसानों में आक्रोश बढ़ गया है, जिससे किसान जहां सरकार को कोस रहे हैं वहीं अब मरने की धमकी भी दे रहे हैं और कह रहे हैं यदि बिना परियोजना रद्द नहीं कराई गई तो हम सेल्फास खाकर अपनी आत्महत्या कर लेंगे, अपनी जान दे देंगे और चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे पूरा गांव। यदि कोई भी नेता गांव में घुसने नहीं देंगे नहीं तो अब महिलाएं भी परियोजना का विरोध करने पर उतरने लगी हैं और रद्द कराने की मांग कर रही हैं। किसान संघर्ष समिति के अभय पटेरिया, माधो सिंह लोधी, जगदीश यादव, यशपाल सिंह यादव, रमेश भार्गव, अवध बिहारी, कुबेर सिंह कुर्मी, निर्भय सिंह आदि समिति पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न ग्रामों में जाकर धरना आंदोलन की शुरुआत कराई। आंदोलन के प्रथम दिन खजुरिया, बरामदगढ़ी और कांग्रेस कार्यकर्ता भी धरना में शामिल हुए और मंत्री रामपाल सिंह राजपूत व सांसद सुषमा स्वराज भी से बिना परियोजना रद्द कराने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि परियोजना रद्द नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। देवला पार, सुमेर, परसोरा, सलैया, बेरखेड़ी, बाग, कोकलपुर, चांदामऊ, बेलई आदि गांव में भी धरना आंदोलन शुरू हो गया है। शेष गांव में भी धरना प्रदर्शन शुरू करने के लिए संघर्ष समिति के सदस्य पहुंच रहे हैं। बैठे के बांधार बिना घर के हो रहे, हम हो रहे बिना जमीन के हो रहे, बिना घर के हो रहे। नहीं हमें माप जचाने, हमने हमें कच्ची चाय नहीं आए, हमारी तो जमीन चाहने और घर चाहने। हम आप नहीं मिलो तो नहीं मिलो तो हम सरकार बल दे। हमारा गांव डूब में आ रहा है, इसलिए हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। घर जमीन सब कुछ जा रहा है। अगर ये रद्द नहीं हुआ तो हम सरकार को बदल देंगे। क्यों दई फिर सरकार ने? जा सरकार बने दे तो बिल्कुल, जब तो अपन कहूँ भक्ते इतो बड़ो घर बना के कहाँ जे है, जा बताओ कहाँ जगह मिलेगी सबको रे। अबे वो मान लो रद्द नहीं भाई परियोजना तो क्या करूँ? कैसे नहीं हुजे? रद्द हुजेगी ना, हत्या कर ले मर जे, काय नहीं हुजे न फिर रे जगह दे उत्ती हमारे लाने। बांध के विरोध में हम पूरे गांव के लोग बैठे हैं। बिना परियोजना रद्द कराने के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। यदि बिना परियोजना में हमारा गांव सुरक्षित नहीं बचता तो हम लोग सत्याग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे, आत्महत्या के लिए भी तैयार हैं। मगर हम जमीन नहीं छोड़ेंगे। हमारे पूर्वजों ने जो जमीन बनाई हम लोगों के लिए, हम बताइए कहाँ पर रहेंगे, कहाँ बसेंगे, कहाँ हमारे बच्चों का प्रतिपाल होगा। इस योजना को हम पूर्ण रूप से रद्द कराना चाहते हैं। हमारा गांव सुरक्षित बचना चाहिए। परियोजना को ओके विरोध में कह डूब में नहीं आए ना तो हमारे गांव की पूरी किसानी चली जाए और हम लोग सब बारा बाट हो जाएं। बहुत मेहनत से सियानों ने बनाओ तो हमारे बुजुर्गों के सब इतने स्थान हैंगे भी हम लोग किसी भी हालत में नहीं छोड़ सके। नहीं हमारा मुआवजा चाहे, नहीं हमारा तो सीधी सी बात है कि डूब में नहीं आए। ये कई बात कह वो है ना तो हम हो रहे हैं हो सका थे के जल समाधि भी ले सका सेंगे। जायदे है आप लोग मतलब हमारे आनंद सेल पास पहुंचा दो। काहे के लाने? खेती जो वहां डूब रही है, खेती नहीं छोड़ रहा यार, सेल पास पहुंचा दो। कौन पहुंचा रहा सेल पास? हम पूरे 72 ग्राम वासियों ने एक राय होकर ये निष्कर्ष निकाला और ये सब लोगों की मंशा है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे
और सरकार की किसी भी कार्य में हम अपना सहयोग प्रदान नहीं करेंगे। 47,000 बहत्तर गांव। बेगमगंज से हमारे संवाददाता सरस शर्मा की रिपोर्ट। आप अपने अधिकारों को जाने, अपील में भी मिलती है निशुल्क कानूनी सहायता। बेगमगंज उप जेल में जो बंदी निरुद्ध हैं, उन्हें कानून का इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि यदि उनकी गुंजाइश नहीं है तो उन्हें कानूनी सहायता किस प्रकार मिल सकती है। यदि किसी बंदी को प्रकरण की सजा हो गई है तो उसे अपील के अधिकार की भी विधिक सेवा के माध्यम से उसे उच्च न्यायालय तक निःशुल्क कानूनी सहायता मिल सकती है। यदि ऐसा कोई बंदी है तो बताएं ताकि उसे न्याय पाने में विधिक सेवा समिति सहायता कर सकती है और वकील उपलब्ध करा सके। इस हीन भावना से ग्रस्त ना रहे कि गरीब है और न्याय पाने से वंचित रह जाएगा। उक्त उद्गार उप जेल में तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं जिला अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद रघुवंशी ने बंदियों को समक्ष कहे। उन्होंने 3 साल से अधिक समय जेल में व्यतीत कर चुके बंदियों की जानकारी लेते हुए उनके प्रकरण की जानकारी ली, जिस पर बंदी ने बताया कि वह 3 साल से अधिक समय से बंद है लेकिन अभी तक उसके प्रकरण का फैसला नहीं हो सका। बंदी के प्रकरण की पूरी जानकारी लेने के बाद न्यायाधीश श्री रघुवंशी ने उसे आश्वस्त किया कि शीघ्र ही 3-4 माह के अंदर उसके प्रकरण में फैसला कर दिया जाएगा। वहीं एक अन्य बंदी ने जमानत अर्जी खारिज होने का दर्द सुनाया, जिस पर न्यायाधीश ने उसे बताया कि हाईकोर्ट से जमानत खारिज हो जाने के बाद कुछ माह रुकने के बाद फिर आवेदन कर सकते हैं और करना चाहिए। एक बंदी ऐसा भी है जो गुलाबगंज का है और गांव का रहने वाला है और अपनी पत्नी को लेने गैदगंज आया था लेकिन उसके साले ने उसे रिपोर्ट कराकर बंद कर दिया। उसके बंद होने की खबर उसके परिजनों को नहीं है। उसके पास किसी की परिचित का मोबाइल नंबर भी नहीं है, जिस पर न्यायाधीश बी आर यादव ने जिला नरेंद्र कटारे कहा कि उसके गांव में पते पर पत्र। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार और हमारे माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के मार्गदर्शन में आज विधिक सेवा प्राधिकरण तहसील बेगमगंज के द्वारा यहां पर जेल बेगमगंज में आकर विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कैदियों की समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई, उनसे बातचीत की गई, कैदियों को उनके जो विधिक अधिकार हैं उनके संबंध में सब जानकारियां दी गई, उनकी समस्याओं से उनको से पूछा गया और यथासंभव उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया गया। इसी संबंध में आज विधिक सेवा